हेलो, वेलकम बैक। आज हम एक नया कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, एक रिएक्शन है। रिएक्शन है कि कार्बिन जब अल्केन के ऊपर अटैक करता है तो किस प्रकार से साइक्लोअल्केन का फॉर्मेशन होता है, उसका कंप्लीट मैकेनिज्म आज हमें इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कंसेप्ट जो है किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, ठीक है, तो उसी की रिकमेंडेशन पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कार्बिन के बारे में, कि कार्बिन का फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है और ये कितने टाइप्स का होता है। जैसे कार्बिन इजिली फॉर्म हो जाता है, CH2NH2 को कोई मॉलिक्यूल है, जब इसको मैं हीट करता हूं तो कार्बिन का फॉर्मेशन होता है और नाइट्रोजन गैस यहां से क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। जब CH2N2 को हम हीट करते हैं लिक्विड अल्कीन, यानी कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये जो अल्कीन है वो लिक्विड फॉर्मेट में है और यहां पर मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं इसके साथ, ठीक है। तो यहां से जो कार्बिन का फॉर्मेशन होगा ना, यहां से जो कार्बिन का फॉर्मेशन होगा, ये कार्बिन कौन सी होगी, दैट इज द सिंगलेट कार्बिन होगा, सिंगलेट कार्बिन हीटिंग के बाद। और रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन ये हो जाएगी, साइक्लोअल्कीन का क्या हो जाएगा, अल्केन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। बट अगर मेरे पास रैंडमली कोई एग्जांपल ये है, अगर मेरे पास ये अल्कीन जो है वो गैसेस फेज में है और फिर मैं CH2N2 के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं हीटिंग में, तो यहां ये जो अल्कीन है, यहां पे दिस अल्कीन फॉर्म होगी कौन सी, दैट इज द ट्रिपलेट अल्कीन, ट्रिपलेट कार्बिन अल्कीन कह रहा हूं, ट्रिपलेट कार्बिन, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, साइक्लो अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमें इसी को ही कंसेप्ट को डीपली समझना है कि किस प्रकार से जब सिंगलेट कार्बाइन अटैक करता है तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, बट जब ट्रिपलेट कार्बिन अटैक करता है अल्कीन के ऊपर तो जो प्रोडक्ट है वो नॉन स्पेसिफिक बनता है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट वहां पे नहीं बनता। तो किस प्रकार से अटैक होता है पहले उस मैकेनिज्म को समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले जो कार्बिन है, मान लो से कि सिंगलेट कार्बिन स्ट्रक्चर जो होती है वो इस प्रकार से होती है, सिंगलेट कार्बिन में जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही लोन पेयर, एक ही पी ऑर्बिटल में होते हैं, जिसके कारण ये सिंगलेट कहलाया, क्योंकि ये पेयर्ड अप होते हैं। और यहां जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो अलग अलग पी ऑर्बिटल्स में होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये क्या कहलाया, ट्रिपलेट, क्योंकि इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाफ, इसकी हाफ स्पिन, हाफ इसकी हाफ, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी करोगे तो तीन आंसर आ जाएगा, 2s+1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3, जिसके कारण इसको हमने क्या नाम दिया, ट्रिपलेट कार्बिन का नाम दिया। अब होगा क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अपने पास ये है C=CH, यहां ये CH3 है, यहां ये CH3 है, ठीक है, यानी कि सिस अल्कीन है मेरे पास, सिस अल्कीन है, और अटैक किसका करवा रहा हूं, CH2 दिस, और यहां पे ये क्या है, दैट इज द सिंगलेट है, सिंगलेट है, तो इस प्रकार से लिख दिया। जब ये ट्रिपलेट होगा, ट्रिपलेट होगा यानी कि जब इस प्रकार से सिचुएशन आएगी, मैं इस प्रकार से लिख दूंगा इसको, CH2 एक यहां लिख रहा हूं, एक ऊपर, दैट इज द, समझ जाना ये क्या है, दैट इज द ट्रिपलेट कार्बिन है, ये सिंगलेट कार्बिन और ये क्या है जी, ट्रिपलेट कार्बिन है। तो यहां दोनों में किसका फॉर्मेशन होगा, अब देखो कार्बिन जो होता है, कार्बिन जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, क्यों, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, ध्यान रखना, 2 इलेक्ट्रॉन की यहां क्या है, कमी है, तो इलेक्ट्रोफाइल ये रहा, न्यूक्लियोफाइल ये रहा, ऑर्गेनिक में यही काम करना होता है, पॉजिटिव का अटैक करवा दो नेगेटिव पे, अपने आप रिएक्शन होती चली जाएगी। तो जी यहां पर आप अटैक करवा दो, ये अटैक करवा दिया, अब ये पूरा का पूरा लोन पेयर है, पूरा का पूरा लोन पेयर है, तो डबल बॉन्ड इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, बनेगा क्या जी, बनेगा ये CH3C, ये H, यहां ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया,
सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यहां ये, यहां CH3 और यहां पे क्या H, ठीक है। अब ये जो CH2 है, या तो ये हो सकता है भाई यहां पे लगे, ठीक है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करे इस प्रकार से, ट्रांजिशन स्टेट मैंने लिख दी ये, या तो ये करे, ठीक है, या फिर ट्रांजिशन स्टेट कौन सी बन सकती है, या फिर ट्रांजिशन स्टेट क्या बन सकती है, यहां से देखना, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3H, या ये क्या जाएगा जी, नीचे आ जाए CH2 इस प्रकार से CH2, ठीक है, ओके, इस प्रकार से आएगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, एक C1 ले लेगा, दूसरा कौन सा ले लेगा C2, तो ये दोनों ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल है, दोनों ही ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट है, नॉट द इंटरमीडिएट, ध्यान रखना, जब सिंगलेट कार्बिन अटैक करता है तो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, और जब ट्रिपलेट कार्बिन अटैक करता है तो जो है टू स्टेप रिएक्शन होती है, टू स्टेप रिएक्शन, क्यों, क्योंकि यहां इंटरमीडिएट बनता है, कैसे जी, यहां इंटरमीडिएट कैसे बनेगा जी, ऐसे CH3H, कैसे जी, ये दो अलग अलग है, यानी कि रेडिकल का काम करते हैं, एक पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे में दूसरा, यानी कि ये डाई रेडिकल है, ये क्या है, एक प्रकार से इसको क्या बोल सकते हो, बाई रेडिकल या डाई रेडिकल आप इसको बोल सकते हो, होगा क्या, ये अटैक करवाया इसने, तो या तो C1 एक्सेप्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, या C2, C1 ने एक्सेप्ट किया तो C2 के ऊपर रेडिकल, C2 ने एक्सेप्ट किया तो C1, मैं दोनों सिचुएशन बनाता, मान लो यहां तो आ गया रेडिकल और यहां लग गया जी, या फिर ये हो सकता है जी CH3H और ये C यहां लग जाए, ये CH2 रेडिकल एज इट इज सिंगल बॉन्ड, यहां आ जाए जी H और ये CH3 दिस रेडिकल, ठीक है, दोनों, यानी कि ये और ये तो कोई अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है, ये भी रेडिकल बना, ये भी रेडिकल बना, ठीक है, अलग अलग नहीं है ये, बट इसके बाद अब ये भी ट्रांजिशन स्टेट है और ये इसकी ट्रांजिशन, इसकी ट्रांजिशन नहीं, ये इसकी क्या इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट, ठीक है, इसलिए हमने कहा कि जब सिंगलेट कार्बन अटैक करेगा तो सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, सिंगल स्टेप, और जब ट्रिपलेट कार्बन अटैक करेगा तो टू स्टेप रिएक्शन होगी, तो यहां पर तो ट्रांजिशन स्टेट है, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन और ब्रेकिंग दोनों एक साथ दिखा रहा हूं, बट यहां पे इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट कौन सा, दैट इज द बायरेडिकल, बायरेडिकल, ठीक है, अब यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा जी, यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा और ये बन जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट बना ये CH3H C के साथ ये CH2 दैट इज द CH3H, तो ये भी क्या बना है जी सिस, ये भी क्या बना है सिस, जैसा था एज इट इज, यहां पे ये क्या बनाएगा, ये भी जी प्रोडक्ट सेम टू सेम बनाएगा, सिस की प्रोडक्ट बनाएगा, बट यहां देखना, यहां आया तो था सिस, बट यहां से अब दोनों स्ट्रक्चर एक ही है, तो एक को मिटा देता हूं या एक में ही सोल्व कर देता हूं, ये जो है आइदर या तो यहां से अटैक करेगा, या आइदर कहां से अटैक करेगा, ये अटैक करेगा इसके ऊपर से, यहां पे अटैक करेगा, दोनों यानी कि बोथ साइडेड अटैक होगा, जब यहां से अटैक करेगा तो बनेगा सिस प्रोडक्ट, कैसे CH3H C, यहां क्या बना CH2 एंड CH2 दिस, क्योंकि ये बॉन्ड बन गया और ऊपर चला गया CH3 और CH2 नहीं, ये सी है, सी और एच, ठीक है, सी और एस, यानी कि सिस प्रोडक्ट बन गया, प्लस में और प्रोडक्ट क्या बन सकता है, जो ऊपर से अटैक करेगा, ये तो पाथ वन से और ये पाथ मान लो टू से, यहां से पाथ टू नहीं, एक में ही बनाएगा ये CH3H, ये सी ऊपर से अटैक कर दिया तो ये ऊपर आ जाएगी नहीं, अब इस केस में CH3 क्या जाएगी नीचे, यानी कि यहां सिस बना, यहां क्या बना ट्रांस, तो ये ध्यान रखना कि ट्रिपलेट में तो दोनों ही बनते हैं, सिस आया तो सिस ट्रांस दोनों बढ़ेंगे, बट यदि सिंगलेट में सिस यदि है तो सिस ही प्रोडक्ट, ट्रांस यदि है तो ट्रांस ही प्रोडक्ट,
बट ट्रिपलेट कार्बीन के अंदर, यानी ट्रिपलेट कार्बीन कब बनेगा, जब मेरा अल्कीन जो है गैस फेज में होगा, तो सिस्ट्री बनेगा, ट्रांसमिट बनेगा, दोनों का मिक्सचर बनेगा। बट जब यदि मेरा अल्कीन जो है लिक्विड फॉर्म में है तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, सिस है तो सिस, ट्रांस है तो ट्रांस। ठीक है, आई होप कि ये जो रिएक्शन है वो समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से कार्बीन जो है अटैक करता है अल्कीन के ऊपर या ओलेफिन के ऊपर। तो जो सिंगलेट कार्बीन का जो अटैक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लो अल्केन। ठीक है, सिंगलेट कार्बीन स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर की है और ट्रिपलेट कार्बीन नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है। क्यों ऐसा वर्ड क्यों नाम दे रहा हूं, क्योंकि सिंगलेट में यदि अल्कीन सिस है तो सिस प्रोडक्ट बनता है, अल्कीन ट्रांस है तो ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। बट ट्रिपलेट में अगर मेरा प्रोडक्ट मेरा रिएक्टेंट सिस है तो जो प्रोडक्ट है वो सिस में बनेगा, ट्रांस भी बनेगा। बट यदि रिएक्टेंट ट्रांस है तो भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिस और ट्रांस दोनों ही बनेगा इन द केस ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन। इसलिए ट्रिपलेट कार्बिन क्या है, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर है। दूसरा, ट्रिपलेट कार्बिन टू स्टेप रिएक्शन शो करता है और सिंगलेट जो है सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म को क्या करता है, शो करता है। आई होप कि ये मैकेनिज्म जरूर समझ में आया होगा। तो अगर ये समझ में आया है तो वीडियोस जो भी हैं आप लोग पढ़ते हो, मेरी देखते हो, उनको शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरों से करवाओ, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के साथ साझा करता रहूं। ओके, थैंक यू सो मच।